कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त एसपी धीरज कुमार सेतिया ने पिहोवा सदर थाना का औचक निरीक्षण किया। एसपी के औचक निरीक्षण से थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया ने निरीक्षण के दौरान थाने में साफ सफाई और फाइलों की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया ने बताया कि पुलिस की ओर से पहले ही अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है, आगे इसको और बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, सिर्फ कोरोना का असर कुछ हद तक कम हुआ है, इसलिए सभी घर से बाहर निकलते समय कोविड-19 के नियमों का पालन करें। साथ ही एसपी ने कहा कि क्राइम को रोकने के लिए कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, क्राइम को रोकने के लिए आगे भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहले कानून व्यवस्था हमारी कायम रहे, जो हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है वो अच्छे तरीके से सब लोग मनाएं, और मेरी आपके माध्यम से जनता से भी यही गुजारिश है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल इसमें बाहर निकलें, क्योंकि कोविड का जो खतरा है अभी कम हुआ है लेकिन गया नहीं है। तो फेस्टिवल को ठीक ढंग से मनाएं, पुलिस का सहयोग करें, मेरी सबसे यही अपेक्षा है कि जितना मेरा कार्यकाल रहेगा मैं मेहनत से और मेरी पूरी टीम के साथ इस इलाके को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस हमारी पहले से भी काम कर रही है, जहाँ जहाँ पे क्राइम कोई ऐसे फिक्स नहीं रहता, हमेशा ये समय के अनुसार सीज़न के अनुसार चेंज होता रहता है, तो वैसे हम अपने अनुसार चेंजेस लाते रहेंगे, जो जो समय की डिमांड होगी वो करेंगे। अदरवाइज पुलिस पहले भी अच्छा काम कर रही है और इसको और आगे अच्छा करने की कोशिश। बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी लोगों को कोरोना को लेकर बेपरवाह ना होने की बात कह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील करने के साथ साथ कहा था कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कम हुआ है। बहरहाल त्योहारों का सीजन है, ऐसे में बाजारों में भीड़ छूटने लगी है, जिससे कोरोना संक्रमण के और तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें और त्योहारों में खुद को भी सुरक्षित रखें और अपनों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।